हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के दोस्तों पार्ट 9 की। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम का पार्ट 9 रहेगा आज की वीडियो में। 8 पार्ट तक करा दिया है, आज आपका 9वां पार्ट है। यदि आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको नंबर सिस्टम पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सभी वीडियो देख लेना। इसके बाद दोस्तों अगला पार्ट आएगा पार्ट 10। पार्ट 10 आने के बाद आपका नंबर सिस्टम दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप ये 10 पार्ट देख लेंगे, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्लियर है? आप ये 10 पार्ट देख लीजिए, क्लियर दोस्तों? प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर सिस्टम पार्ट के नाम से, उसमें सभी वीडियो पार्ट वाइज हैं। इसके बाद 10वां पार्ट आएगा, नंबर सिस्टम का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, नंबर सिस्टम पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इस 10वें पार्ट को आने के बाद, क्लियर है? सभी पार्ट देख लीजिए, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, √5 + √3 बटे में दे रखा है √5 - √3, प्लस का साइन है, √5 - √3, √5 + √3, ये आपको दे रखा है SSC LDC 2012 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्लियर? जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो साइन दे रखा आपको प्लस का, इस साइन से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा बेनिफिट? इस साइन की वजह से इस तरह के सवालों को आप 2 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में। कैसे? संख्या क्या दे रखी है, √5 √3 √5 √3 √5 √3 √5 √3, मतलब दो ही संख्या सब जगह रिपीट हो रही हैं। ऐसा नहीं यहाँ 5 है तो यहाँ 3, यहाँ 7 होता है यहाँ पर 8, अलग अलग कोई भी संख्या नहीं है। और क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो जब भी प्लस का साइन रहेगा, जब भी दोस्तों प्लस का साइन रहेगा तो क्या करेंगे, 5 को और 3 को जोड़ दीजिए बस, 5 + 3 हो गया आपका आंसर 8, क्लियर है? ये हो गया दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। 2 संख्या ही तो दे रखी है, 5 और 3, जब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन होगा, इस साइन से मतलब मत रखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसको मतलब मत रखिए। यहाँ पर जो बीच में साइन है प्लस का, आप प्लस कर दीजिए बस, दोनों संख्याओं का आपका आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा इन क्वेश्चन को करने में, ठीक है दोस्तों? अगर यहाँ पर माइनस का साइन रहे तो कैसे करना है वो भी देख लीजिए दोस्तों, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका √5 + √3 / √5 - √3, यहाँ पर साइन है माइनस का, √5 - √3 √5 + √3, ये क्वेश्चन दोस्तों SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। अब देखिए बिल्कुल क्वेश्चन पहले जैसा है, बिल्कुल पहले जैसा, ठीक है? अभी अभी जो क्वेश्चन कराया है सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज कर दिया है, उसमें प्लस का साइन था, इसमें दोस्तों माइनस का साइन है, क्लियर दोस्तों? इसे कैसे करना है, जब दोस्तों आपका प्लस का साइन रहता तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं संख्याओं को, लेकिन माइनस का साइन रहेगा तब क्या करना है, ठीक है? जब क्या करना है, ये दोनों संख्याओं का कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या दे रखा है आपको, √5 × √3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ लगा दीजिए 2 प्लस पहले, ठीक है दोस्तों? पहले 2 लगा दीजिए और ये तीनों संख्याएं मल्टीप्लाई में आपकी आ जाती हैं, क्लियर है? ये 2 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 5 × 3 = 15, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 15, तो 2√15 हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों? 2√15 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ये हो जाएगा सही आंसर। अगर यहाँ पर साइन प्लस का होता तो 5 को और 3 को दोनों को जोड़ देते, 5 + 3 आंसर हो जाता 8, लेकिन माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे अंडर रूट में, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दोनों का मल्टीप्लाई, जब माइनस का साइन रहेगा दोनों का मल्टीप्लाई रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 15, 2 पहले लगा दीजिए, आ गया आपका आंसर। के लिए दोस्तों क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका √5 + √3 बटे में वही संख्या है √5 - √3, साइन है प्लस का। अब आपको इसमें देखिए एक अलग चीज़ मिली होगी देखने के लिए, स्क्वायर, यहाँ पर इसका भी पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पर इसका पूरे का स्क्वायर है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है। अब हमने देखिए बिना स्क्वायर वाला भी देख लिया, दोनों प्लस माइनस वाले देख लिए, जिसमें स्क्वायर नहीं था दोनों क्वेश्चन देख लिए, प्लस में भी और माइनस में, इस बार देखते हैं स्क्वायर वाला क्वेश्चन, क्लियर है? अब देखिए साइन किसका है यहाँ पर, प्लस का। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब साइन प्लस का रहेगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 5 + 8 वो कर देंगे, 3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 दोस्तों ये हो जाएगा आपका 8। यही तो करते हैं जब आपका प्लस का साइन रहता है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 8 आपका आंसर आ गया,
यही तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो इस 8 का भी आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 64। लेकिन 64 आपका आंसर नहीं है, अभी 64 आपका आंसर नहीं है। क्या करना है, इस 64 में से हमेशा 2 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 62। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका सही आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, जब यहाँ पर प्लस का साइन रहता है तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। दोनों संख्या कौन सी है, एक 5 है एक 3 है, दोनों को जोड़ लिया आ गया 8। अगर स्क्वायर नहीं होता इसके ऊपर तो 8 आपका आंसर हो जाता, लेकिन स्क्वायर दे रखा तो क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 64। बस इस 64 में से 2 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 62। क्लियर है, कोई भी संख्या रहती इनकी जगह हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायर वाले में स्क्वायर करने के बाद माइनस 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन देता है, पहले प्लस वाला दिया, फिर माइनस वाला दिया, फिर क्या किया इसमें स्क्वायर और बढ़ा दिया, स्क्वायर वाला क्वेश्चन दे दिया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात, और एसएससी सीजीएल 2017 का ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रूट थ्री प्लस वन बटे में रूट थ्री माइनस वन, रूट टू प्लस वन, रूट टू माइनस वन, प्लस रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन, प्लस रूट टू माइनस वन, रूट टू प्लस वन। एसएससी सीजीएल 2015 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था। अब बताइए कितनी जल्दी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, कितनी जल्दी दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ये बता दीजिए। बहुत जल्दी कर सकते हैं दोस्तों, देखकर ही इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 3 है तो 3 ले लेंगे, साइन किसका है प्लस का, प्लस ले लो। यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 2 है, 2 ले लेंगे, साइन किसका है प्लस का, प्लस ले लो। यहाँ बड़ी संख्या 3 है, 3 ले लो, साइन किसका है प्लस का, प्लस ले लो। यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 2 है, 2 ले लो, बस आ गया आपका आंसर। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 में 2 जोड़ दिया 10, हो गया आपका सही आंसर। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और आपने देखो इसे कितनी जल्दी ख़त्म कर दिया, 10 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपसे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए करेंगे क्या, बड़ी संख्या उठा लेंगे, लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस ले लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो आप यहाँ पर माइनस ले लेते, कोई बात नहीं, प्लस का साइन है प्लस, प्लस का साइन होगा प्लस, प्लस का साइन होगा प्लस। करना क्या है, बड़ी संख्या को रखेंगे, इसमें से भी बड़ी संख्या, इसमें से भी बड़ी संख्या, इसमें से भी बड़ी संख्या, बस दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी, आप 2 सेकंड में ही क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रूट फाइव प्लस टू रूट सिक्स बराबर क्या, एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। अब देखिए एसएससी सीजीएल की क्वेश्चन है और आप सोचेंगे बड़े ही खतरनाक क्वेश्चन है, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन आपको खतरनाक नहीं लगेंगे, ठीक है, बहुत आसान लगेंगे। सबसे पहले तो आप बात सुनिए, यहाँ पर दे रखा है प्लस का साइन, यहाँ पर जब प्लस का साइन दे रखा है तो आंसर किस में आएगा दोस्तों, प्लस में ही आएगा, ये आप याद रखिए। यहाँ पर प्लस का साइन है तो आंसर प्लस में ही आएगा। अब प्लस में आपको ये वाला दे रखा है और ये वाला दे रखा है, ये दोनों माइनस में है तो ये आपके आंसर कभी नहीं होंगे, बस 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। आपका आंसर पहला होगा या फिर लास्ट वाला होगा, माइनस वाला आंसर नहीं होगा कभी भी जब आपका यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है। तो माइनस का साइन होगा तो आंसर माइनस में ही आएगा, प्लस वाला आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस वाले तो 2 कट गए, इसको चेक कर लेते हैं 3 को और 2 को। क्लियर दोस्तों, तो हम 3 और 2 को चेक कर लेंगे, इनको रूट थ्री है प्लस का 2 है, क्लियर है, दोनों का करते हैं स्क्वायर। रूट थ्री का स्क्वायर दोस्तों 3 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, दोनों को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आ रहा है 7, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब 3 आंसर गलत हो गए तो भैया चौथा आंसर तो अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या दे रखा है, रूट थ्री प्लस का रूट टू दे रखा है, रूट थ्री का भी स्क्वायर कर दो, रूट टू का भी स्क्वायर कर दो। रूट थ्री का स्क्वायर दोस्तों 3 रहेगा, प्लस रूट टू का स्क्वायर 2 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 2 बचेगा इधर 3, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया भैया 5, यहाँ पर 5 ही तो दे रखा है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रूट एट माइनस टू रूट पंद्रह बराबर क्या, एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो साइन है उसी में आंसर आएगा, साइन है दोस्तों आपका माइनस का,
तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा। तो देखिए ये तो आपका प्लस में दे रखा है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी प्लस में दे रखा है ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शन बचे, इनमें से कोई आंसर होगा। हमें क्या चाहिए दोस्तों, 8 चाहिए। क्लियर है, कैसे मिलेगा पहले इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। क्या दे रखा है दोस्तों आपको, 5 माइनस का रूट 3। अब देखिए क्या करेंगे, वही करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। 25 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। लेकिन आपको कितना चाहिए, 8 चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों आपको, तो चाहिए 8। तो 8 तो नहीं मिला, यहाँ तो 22 मिला, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जब तीन ऑप्शन गलत तो दोस्तों चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन हम चेक करेंगे क्या दे रखा है, रूट 5 माइनस का रूट 3। क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर मतलब देखिए रूट से यहाँ पर स्क्वायर कट जाएगा तो 5 रहेगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर क्या है, रूट 3 है। अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर से 3 कट जाएगा कितना बचेगा 3, दोनों को जोड़ा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 8 हो जाएगा। तो आपको दोस्तों 8 मिल गया। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जब माइनस का साइन है तो माइनस नहीं किया, प्लस करना है दोस्तों, हमेशा प्लस करके आंसर आएगा 8। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको करना है क्या है, ऑप्शन लेना है, जब माइनस का साइन है तो प्लस वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, माइनस में ही आंसर आएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रूट 12 प्लस 6 रूट 3 बराबर क्या। ये क्वेश्चन भी दोस्तों SSC CGL 2015 का है। साइन चेक कीजिए किसका है, प्लस का, तो माइनस वाले ऑप्शन दोस्तों आपके गलत हो गए। पहला ऑप्शन प्लस का बचा, लास्ट वाला ऑप्शन गलत का बचा, प्लस वाला ही आपका आंसर होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, 1 दे रखा है, प्लस का रूट 3 दे रखा है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। 1 और 3 4 हो गया, लेकिन हमें कितना चाहिए, 12। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 3, प्लस का कितना रूट 3 दे रखा है। दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना, 9, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा दोस्तों आपका 12। तो हमें 12 ही तो चाहिए था, 12 मिल गया, यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। यहाँ पर जो संख्या होती है वही संख्या हमको चाहिए होती है, यहाँ पर जो संख्या होती है वही संख्या हमको चाहिए होती है। वो कैसे मिलेगी, मैंने आपको तरीका बता दिया है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अगला क्वेश्चन आपका रूट 5 माइनस रूट 21 बराबर क्या। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन में है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो साइन होगा आंसर उसी में आएगा, माइनस का साइन है आंसर माइनस में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तीन ऑप्शन में तो दोस्तों प्लस है, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में माइनस है तो माइनस वाला सही हो गया। SSC CGL 2011 का क्वेश्चन है, बताइए कितनी जल्दी कर दोगे आप, अब बताइए कितनी जल्दी कर दोगे आप, इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर दोगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन को समझ में दिक्कत है, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।